उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से काफ़ी सबल माने जाते हैं और नीतीश कुमार के बाद यदि राजनीतिक रूप से किसी का नाम लिया जाता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। पिछले कुछ समय से उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ आना स्वीकार किया, उसके पीछे उनकी रणनीति क्या थी ये तो अलग बात है, लेकिन उनके आने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके बाद कोई ऐसा है जो जनता दल यूनाइटेड की फील्डिंग ज़बरदस्त ढंग से कर सकता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में सब कुछ गड़बड़ा गया है। लेकिन इन सब के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से सारी बातें कह रहे हैं और नीतीश कुमार इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, इसका मायने क्या समझा जाए? तो इसका मायने हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार उस वक्त का इंतजार करते हैं जिस वक्त तक उन्हें उस व्यक्ति से काम हो, तब तक वो अपने से अलग नहीं करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, और दोनों को नीतीश कुमार अपने हिसाब से जवाब नहीं दे सकते हैं। बार बार जवाब देने के लिए उन्हें किसी की ज़रूरत है, और उपेंद्र कुशवाहा इस काम में काफ़ी माहिर हैं। जब नीतीश कुमार से दूर थे तब नीतीश कुमार को उन्होंने पानी पिला के रख दिया था। यही कारण है कि लौकुश समीकरण को मजबूत करने के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाने का प्लान बनाया, उसी समय उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात का एहसास ज़रूर हो गया होगा कि वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके जा रहे हैं तो आने वाला समय क्या होगा। और उपेंद्र कुशवाहा अच्छी तरह से जानते भी थे कि नीतीश कुमार अपने करीबियों का हमेशा कहीं ना कहीं बलिदान लेते हैं। ये सारी बातें जानबूझ करके उपेंद्र कुशवाहा का आना कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग का हिस्सा ज़रूर था। जैसे ही नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के सामने ही ये बात कह दी कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा की तल्खियाँ ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि हर कोई नीतीश कुमार के बाद जदयू का वो हर सदस्य देख रहा था कि नीतीश कुमार उसके हाथ में कमान देंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसा कई लोगों से वादा किया लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। ललन सिंह को लेकर के भी कहा जा रहा था कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में काफ़ी तल्खियाँ बढ़ गई हैं, जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा नए एंगल पर सोच रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के करीबियों से बात करने के बाद जब ये बार बार पूछा जाता है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का अगला स्टैंड क्या होगा, तो वो सीधे कह देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। इधर उपेंद्र कुशवाहा जब से दिल्ली में गए हैं तब से कहा जा रहा था कि उन्होंने फील्डिंग सेट कर दी है। नीतीश कुमार के लिए जो सबसे पहला व्यक्ति एनडीए में रह करके इस बात को बोला था कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत है, वो उपेंद्र कुशवाहा ही थे। अब उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से बाहर होने की बात की जा रही है, उन्हें एकनाथ शिंदे बिहार का बताया जा रहा है। इन सब के बीच में एक बात साफ नज़र आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो 14 तारीख का डेडलाइन दिया था उस पर नीतीश कुमार के बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी पड़ी और सुधाकर सिंह से शो कॉज नोटिस मांगा गया। अब अगला स्टेप क्या होगा इस पर बहुत कुछ टिका है। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने ज़बरदस्त ढंग से फील्डिंग सजा के रखी है। एक तरफ जहाँ कहा जा रहा था कि हरिवंश जदयू को वापस नीतीश कुमार को लाने की तैयारी कर रहे हैं, जदयू और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में एक नाम और मजबूती के साथ आ गया है, उपेंद्र कुशवाहा का। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और फिर से वो चाहते हैं कि अकेले न आ करके पूरी जदयू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, जिससे कि कार्यकर्ताओं को और आने वाले समय में पार्टी को भी मजबूती मिले और पार्टी सिक्योर हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारे से हो करके दिल्ली से पटना तक का सफ़र करके आई हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इतना तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बार बार जिस तरह से हमला किया है राष्ट्रीय जनता दल पर और अपने पार्टी के भीतर के सारी बातों को लेकर के वो लगातार मुखर नहीं होकर के पार्टी के में सब कुछ ठीक होने की बात करते हैं, ये इशारा जरूर करता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कुछ कर रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए दिल्ली में फील्डिंग सजा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखना दिलचस्प होगा कि लौकुश समीकरण को साधने के चक्कर में नीतीश कुमार ने जो फैसला किया था वो फैसला उनके पक्ष में जाता है या विपक्ष में। उपेंद्र कुशवाहा के फैसले पर और उनके निर्णयों पर बहुत कुछ असर करेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।